हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू दी चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप सब अच्छे होंगे, सब बहुत बढ़िया होंगे। सो फ्रेंड्स, आज दिन है शनिवार का, तारीख है 17 जून, और ये जो टाइम है ना, ये करीब सुबह का टाइम है, करीब सुबह का टाइम 10:30-11 के आसपास का टाइम है। मैं यहाँ पर कर रही हूँ खाना बनाने की तैयारी। सो फ्रेंड्स, आजकल जो है ना, बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं, पतिदेव भी नहीं जा पा रहे हैं ना, तो इसी वजह से ना खाना दोपहर में बन पाता है। उससे रूटीन जो है ना बिल्कुल बिगड़ सा गया है, क्योंकि क्या है ना, खाना जब सुबह बन जाता है तो टेंशन ख़त्म हो जाती है, और आजकल जो है ना दोपहर में खाना बन रहा है ना, तो सिलाई वगैरह का काम नहीं हो पाता है, वो मतलब दोपहर हो जाती है उसमें। जैसे मुझे कोई अर्जेंट काम भी है ना, तो वो भी मैं नहीं कर पाती। तो चलिए कोई बात नहीं, जब रूटीन चेंज हो जाता है ना, तो उसमें भी हमें ढलना ही पड़ता है। तो औरतों का काम ही यही होता है कि मतलब जिस भी रूटीन चाहे जो भी हो, उसमें हमें ढलना ही पड़ता है। सो यहाँ पर जो है ना, मैंने लहसुन और प्याज को है ना चॉप कर लिया है, और ये चॉपर जब से आया है ना, तब से तो मेरा काम थोड़ा सा आसान हो गया है। तो मैंने इसमें चॉप करके रख दिया है, और उधर मैंने आलू बैंगन की सब्ज़ी काट के रख दी है। सो अभी जो है ना, मैं बस बनाने जा रही हूँ। आज आलू बैंगन की सब्ज़ी और रोटी बनेगी। आजकल जो है ना, सादा सिंपल सा खाना हम लोग खा रहे हैं, क्योंकि क्या है ना कि पतिदेव की तबीयत थोड़ी ख़राब चल रही है, लू वगैरह लग गई है उन्हें, तबीयत थोड़ी ख़राब हो गई है। सो बस इसी वजह से ना हम लोग सादा सिंपल सा खाना खा रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने ऑयल ले लिया है, उसमें जो है ना चॉप की हुई प्याज और लहसुन को ऐड कर दिया है, और उसके बाद जो है ना मैंने इसमें टमाटर ऐड कर दिया है। उसके बाद मैं इसमें बेसिक मसाले अपने ऐड कर दूंगी, जो भी मतलब सूखे मसाले हैं ना, नमक, मिर्च, हल्दी। सूखा धनिया मेरे पास ख़त्म हो गया था, और होगा भी तो शायद मैं जब से घर से आई हूँ ना, तब से इसमें था नहीं, सो ख़त्म हो गया है। तो अभी जो है ना लाने का टाइम बिल्कुल भी नहीं था, तो एक दो मसाले, एक दो चीज़ें हैं ना जो रह गई थी ना, वो रह ही गई हैं। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर मसाला जो है ना अच्छे से भुन गया है, मतलब उसने तेल वगैरह छोड़ दिया है। तो यहाँ पर मैंने सब्ज़ी ऐड कर दिया है, इसमें अच्छे से इसको भूनूंगी, तब तक इसमें नमक मिर्च अंदर तक ना चले जाए ना। तो यहाँ पर जो है ना पानी अभी नहीं डालूंगी, पानी मैं डालूंगी इसमें थोड़ा ज़्यादा, क्योंकि मुझे जो रसे वाली सब्ज़ी बनानी है, जो मतलब सरसरी सी सब्ज़ी होती है ना, चटनी वाली, आलू बैंगन, वो मुझे बनाने हैं आज। तो उसके लिए मैं पानी थोड़ा ठीक ठाक सा ऐड करने वाली हूँ इसमें। तो करीब मैंने एक गिलास पानी इसमें ऐड कर दिया है। इधर जो है ना इसमें सीटियाँ लगा दूंगी कम से कम 2-3, ताकि अच्छे से आलू वगैरह जो है ना गल जाएँ, और गल जाएंगे तो फिर बहुत अच्छा लगेगा, बिल्कुल चटनी वाली सब्ज़ी बन जाएगी। सो फ्रेंड्स, इधर जो है ना सीटियाँ लग गई थी, तो मैंने बंद कर दिया। तब तक जो है ना इसका गैस ओवर होता है ना, निकलता है, तब तक मैं जो है ना रोटियाँ सेक लेती हूँ अपनी, क्योंकि क्या है ना रोटियां सेकने में लगना है टाइम, और गर्मी इतनी ज़्यादा है ना कि किचन में खड़ा होना बहुत मुश्किल हो रहा था, और मेरे किचन में कोई एयरजेक्स फ़ैन वगैरह भी नहीं है ना, तो मुझे बहुत इशू होता है इस चीज़ का ना, गर्मी बहुत लगती है, और पंखा नहीं चला सकते। वैसे तो पंखा अवेलेबल है यहाँ पर, लेकिन अगर मैं इस वक्त पंखा चलाऊँगी ना, तो गैस बंद हो जाएगा। तो इसी वजह से ना मैंने पंखा बंद किया हुआ है, पंखा नहीं चलाया हुआ है, और ऊपर से मुझे गर्मी इतनी लग रही थी, मुझे ये लग रहा था कि जल्दी से जल्दी रोटियाँ बने और मेरा काम ख़त्म हो। बेशक मेरी किचन ओपन है ना, लेकिन फिर भी है ना मुझे बहुत गर्मी लगती है। सो फ्रेंड्स, हो गया है खाना तैयार। तो देखिए, आलू बैंगन की सब्ज़ी है ना बिल्कुल रसे वाली बनाई थी, और बिल्कुल बिल्कुल ग्रेवी इसकी बहुत अच्छी हो गई थी, मतलब चटनी वाली बनी थी। हमारे घर में तो ऐसे ही पसंद करते हैं आलू बैंगन वगैरह की सब्ज़ी, जो सूखी सूखी होती है ना वो नहीं पसंद आती किसी को भी। सो छाछ है और आलू बैंगन की सब्ज़ी है, रोटी है, आइए आप लोग भी खा लीजिए। सो फ्रेंड्स, खाना वगैरह सब हो गया है, और ये जो है ना दोपहर का टाइम है, करीब दोपहर के 2 बज गए थे, और मैं यहाँ पर बैठ गई हूँ कटिंग वगैरह करने। सो मुझे जो है ना ये वाला सूट आज सिलना है, और ये अर्जेंट है, ये देना है, इसी वजह से ना मुझे ये सूट आज ज़रूरी सिलना था, इसी वजह से मैं बैठ गई थी सिलने, और पूरी दोपहर ही मेरी इसी में जाने वाली है आज। तो यहाँ पर जो है ना मैंने फ्रंट पार्ट की कटिंग जो है ना अच्छे से कर ली है, और इसके बाद जो है ना बैक पार्ट की कटिंग भी मैं कर लूँगी इसी को रख के। सो ये जो है ना पैंट वाला सूट है, और इसकी पैंट मैंने तैयार कर दी थी पहले ही, मतलब कल जब मुझे टाइम मिला था ना, तो मैंने पैंट को सिल दिया था। कस्टमर के सूट सिलने से पहले ना मैंने इसकी पैंट तैयार कर दी थी। अभी जो है ना बस ये सूट है, लेकिन इस सूट में भी बहुत काम है, क्योंकि इसकी स्लीव्स जो है ना डिज़ाइन वाली हैं, और डिज़ाइन वाली स्लीव्स में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है मुझे।
तो इसीलिए मैं जो है ना टाइम से बैठ गई थी, तो यहाँ पर जो है ना बैक पार्ट की कटिंग भी मैंने कर ली है। यहाँ पर जो है ना मैं मतलब डिज़ाइन काट रही हूँ स्लीव्स का, जो भी मतलब मुझे पोनी स्लीव्स बनानी है और उसका डिज़ाइन जो मुझे काटना है ना वो मैं काट रही हूँ। तो जो कंगूरे वाला डिज़ाइन होता है ना वो मैं बनाने वाली हूँ इसमें, और कोनी तक जो होती है ना वो वाली मतलब डिज़ाइन जो है ना इसमें वो बनने वाला है, क्योंकि बुकरम के कोई भी डिज़ाइन होते हैं ना वो मतलब 10 या 12 इंच से ज़्यादा नहीं बन पाते हैं, क्योंकि कोनी से नीचे चले जाते हैं ना तो वो कोनी मोड़ने में दिक्कत करते हैं। तो इस वजह से ना बस कोनी तक जो भी होते हैं ना जो डिज़ाइन होते हैं वो कोनी तक बनते हैं। तो यहाँ पर मैंने ना अच्छे से डिज़ाइन काट लिया है और इसी के हिसाब से मैं दूसरा वाला डिज़ाइन भी मैं काट लूँगी। सो ये वाले डिज़ाइन वगैरह बनाने में टाइम तो बहुत लगता है, लेकिन बनने के बाद बहुत सुंदर लगते हैं और सूट की जो है ना एकदम लुक बढ़ जाती है, बहुत अच्छी लग जाती है और मेहनत तो पूरी ही लगती है। सो यहाँ पर दोनों डिज़ाइंस को मैंने कट कर लिया है, अभी जो है ना मैं इनके लिए कपड़ा अरेंज करने वाली हूँ, जो भी कपड़ा इसमें से बचा है ना सूट की कटिंग में से, सो उसको मैं अरेंज करने वाली हूँ। सो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए मैंने कपड़ा निकाल लिया था इसके लिए और मैंने जो है ना इसको प्रेस से अच्छे से चिपका दिया है, तो ये जो है ना पेस्टिंग पे कटी हुई है डिज़ाइन, तो ये जो अच्छे से चिपक जाता है। सो मैंने यहाँ पर जो है ना इसको कपड़े पे एक अरेंज कर दिया है और उसके बाद जो है ना चारों तरफ से इसको फोल्ड कर लूँगी, उसके बाद मैं इसको स्लीव्स पे अटैच करूँगी। ये स्लीव्स मैंने पहले भी आप लोगों को वीडियो में दिखाई हुई हैं, काफ़ी टाइम हो गया, और शायद लाइट पिंक सूट था मेरा, बिल्कुल बिस्किट कलर टाइप था, उसको मैंने दिखाया था आप लोगों को, उसकी भी स्लीव्स मैंने ऐसी बनाई हुई हैं, लेकिन डिज़ाइन थोड़ा अलग है, थोड़ा डिफरेंस है उसमें। इसमें जो है ना बीट्स डालूंगी, उसमें जो है ना बटन लगाए हुए हैं, तो थोड़ा बहुत चेंजेस जो है ना आते रहते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने बाजू का जो कट ले लिया है और उसके ऊपर मैंने इसको डिज़ाइन को रख दिया है और ऐसे करके मैं इसको सिलाई लगा दूँगी। तो आप देख ही रहे हैं, मुझे ज़्यादा इसके बारे में समझाना तो आता नहीं है, तो लेकिन फिर भी है ना आप लोग जैसे मैं सिलाई लगाते जा रही हूँ ना धीरे धीरे करके, ऐसे ही आप लोग भी सिलाई लगाते जाइए, इससे क्या होगा ना डिज़ाइन आपका बिल्कुल अटैच हो जाएगा अच्छे से। सो फ्रेंड्स इन सब चीज़ों में टाइम इतना लग जाता है कि एडिटिंग वगैरह नहीं हो पाती है वीडियो की, वीडियो एडिटिंग वगैरह करने में ना रात हो जाती है, क्योंकि ये डिज़ाइन ही बनने में तैयार होने में ना बहुत घंटे ले जाते हैं, तो एडिटिंग वगैरह आज मैं नहीं कर पाऊँगी तो वीडियो मेरी जो है ना रात तक ही आ पाएगी। सो ये देखिए मैंने इसको डिज़ाइन को अच्छे से अरेंज कर दिया है इसके ऊपर। तो स्लीव्स जो है ना थोड़ी मैंने एक्स्ट्रा काटी हुई थी, क्योंकि क्या है ना कि कम पड़ जाए कपड़ा, उससे अच्छा है कि मैंने स्लीव्स जो है ना एक्स्ट्रा काट ली थी। तो यहाँ पर जो है ना सारे डिज़ाइन को मैंने इस पर अटैच कर दिया है, अभी मैं इसकी कटिंग अच्छे से कर लूँगी। तो ये देखिए मैंने इसको अच्छे से कटिंग कर ली है और अभी जो भी कॉर्नर है ना उस पर छोटे छोटे से हल्के हल्के मैं कट लगा दूँगी और ये कंगूरे जो है ना बाहर निकाल दूँगी, क्योंकि इनको निकालना ज़रूरी है और ध्यान रखिएगा कोई भी कट ना। सो ये देखिए फ्रेंड्स बहुत अच्छे से सारे जो है ना डिज़ाइन निकल कर आ गए हैं बाहर, और मैंने ना इनके ऊपर एक लपकी सिलाई लगा दिया ताकि अच्छे से बिल्कुल फिट बैठ जाए। एक सिलाई आपको ज़रूर लगानी होगी, क्योंकि जिससे ये बैठ सके डिज़ाइन ना, और डिज़ाइन तभी बैठेगा जब आप इसके ऊपर एक सिलाई लगा देंगे। सो फ्रेंड्स अभी कर लेते हैं तैयारी। तो ये देखिए स्लीव्स जो है ना बहुत अच्छे से रेडी हो गया है, और यहाँ पर देखिए मैंने एक डोरी निकाल दी है लंबी सी, इसके अंदर ये बीट्स जो है ना मैंने डाल दिए हैं, जैसे ऐसे करके आप इस बीट्स को ऐसे डाल सकते हैं। तो ये डोरी का जो अगर वीडियो चाहेंगे आप तो मैं एक वीडियो डोरी पर भी बना दूँगी, मैंने अभी तक कोई डोरी पर वीडियो नहीं बनाया है, तो मैं इसको ऐसे अटैच करूँगी, एक एक बीट्स है ना इसके अंदर निकाल दूँगी और फिर उसके बाद जो है ना कट कर दूँगी, जितनी डोरी मुझे चाहिएगी ना सारी बीट्स मैंने डाल के रख दी हैं इसके अंदर। सो यहाँ पर जो है ना मैंने एक एक करके बीट्स लगा दिया इस पर और ऐसे कटिंग करते हुए मैं चली गई हूँ। ये देखिए जितने एक बीट्स की ज़रूरत है इसमें, तो मैं एक बीट्स को इस पर छोड़ दूँगी, बाकी का जो एक्स्ट्रा डोरी है ना उसको काट कर दूँगी, और कट करने के बाद जो है ना डिज़ाइन मतलब बनते हुए चला गया, आपको देख ही रहे होंगे कि मैं जो है ना फिर उसके बाद जो है ना साइड में भी सिलाई लगाते हुए चली जाऊँगी।
सो फ्रेंड्स, उसके बाद जो है ना, मतलब मैंने ये बीट्स लगा दिए, उसके बाद मुझे थोड़ा खालीपन लगा, तो मैंने ना एक पट्टी ली लंबी सी, और उसके बाद जो है ना इसको ऐसे मतलब फ्रिल लगा दी है इस पर, छोटी सी हल्की सी फ्रिल है ये, बिल्कुल नॉर्मल सी फ्रिल है ये देखिए, क्योंकि नीचे का हिस्सा मुझे खाली लग रहा था ना स्लीव्स पे, तो मैंने सोचा कि मैं इसको एक फ्रिल लगा देती हूँ हल्की फुल्की सी, जिससे बाजू में ना थोड़ी लुक अच्छी आ जाएगी। तो अब मैं इसकी फिटिंग कर लेती हूँ। तो ये देखिए स्लीव्स मेरी बनकर बिल्कुल तैयार हो गई हैं, और अभी जो है ना इनका लुक जो है ना देखते बन पड़ रहा है, बहुत अच्छी लग रही हैं। सो फ्रेंड्स, मैंने ना इनकी एक्स्ट्रा सिलाई जो है ना अभी नहीं हटाई है, तो मुझे इसकी तुरपाई वगैरह भी करनी है, तब उसके बाद मैं इसकी एक्स्ट्रा सिलाई वगैरह मैं हटा दूँगी। तो अभी फ़िलहाल के लिए रफ़ सिलाई भी अभी इस पर ऐसे की ऐसी है, क्योंकि बहुत टाइम लग गया था इसको बनाने में ना, बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था। एक स्लीव्स की मैंने आपको वीडियो दिखाई, दूसरे स्लीव्स को बनाने में मुझे इतना टाइम लग गया, और उसके बाद जो है ना काफ़ी टाइम मेरा ऐसे ही निकल गया था। तुरपाई वगैरह करनी है मुझे, और अभी देखिए दोनों स्लीव्स को मैंने रेडी कर दिया है। तो कैसी लगी आपको स्लीव्स? अगर वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो ना, तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, बेल आइकन दबाना प्लीज़ मत भूलिएगा। तो मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।